नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दतिया आई कोविड-19 की वैक्सीन का किया गया दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसएन उदयपुरा के द्वारा पूजन। इस दौरान पत्रकार वार्तालाप कर दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि कल से दतिया में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद किया जाएगा टीकाकरण और इस टीकाकरण के प्रथम दौर में सफाई कर्मियों को दिया जाएगा इसका लाभ एवं इसका दूसरा चरण 28 दिन बाद होगा, जिसमें जिला प्रशासन के अन्य विभागों के कर्मचारियों को दिया जाएगा इसका टीका। साथ ही जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग दोनों ही मिलकर इस कार्यक्रम को बनाएंगे सफल, आदि महत्वपूर्ण बातों पर पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात कही। ये प्रक्रिया स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण का चलेगा 1 महीने और उसके बाद फिर दूसरे क्रम पे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो अन्य विभागों के जैसे पुलिस के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, नगर पालिकाओं के, राजस्व के और दीगर विभाग के जो फ्रंट में अपनी सेवाओं को देते हैं और वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं संक्रमण के, उनको लगाया जाएगा। और फिर तीसरे प्राथमिकता क्रम पे जो 50 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग हैं या फिर जिनको एक या एक से ज़्यादा बीमारियां हैं, जिनको संक्रमण का खतरा ज़्यादा है, ऐसे लोगों को लगाया जाएगा। बीसीएन न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश में चलाए जा रहे गुंडे माफिया एवं अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत दतिया पुलिस सतर्क बनी हुई है, जिसके चलते दतिया कोतवाली टीआई रत्नेश यादव को एक और सफलता मिली। डकैती की योजना बना रहे बदमाशों को मुखबिर की सहायता से ईदगाह के ऊपर पहाड़ी पर पानी की टंकी के पास गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए 6 बदमाशों के पास अवैध हथियार भी जब्त किए गए। जब इन बदमाशों से वारदात के बारे में पूछा गया तो गोदाम के पास व्यापारी का बैग लूट को भी इन्होंने अंजाम दिया था। गिरफ्तार किए गए बदमाश शाहिद खान, फिरोज उर्फ दूल्हा भाई, अरमान शाह, प्रशांत कुशवाहा, जो दतिया निवासी है, इनके पास से अवैध हथियार सहित एक मोटरसाइकिल, ₹20,000 की नकदी एवं 315 बोर के अवैध हथियार जब्त किए गए। इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका कोतवाली टीआई रत्नेश यादव, उप निरीक्षक आरएल भारतीय, उप निरीक्षक अनिल शाक्य, आरक्षक शिव कुमार, आरक्षक भगवती प्रसाद, सैनिक अखिलेश, आरक्षक गजेंद्र, आरक्षक सेनपाल गोस्वामी एवं आरक्षक आदित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कल रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जो हमारे दतिया के अमन सिंह साहब, उनके द्वारा जो है लगातार हम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है कि गुंडे बदमाशों एवं अवैध गतिविधियां करने वालों के विरुद्ध ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई एवं धरपकड़ करें। तो उसी में हम लोगों को मुखबिर सूचना मिली थी, तो इस मुखबिर सूचना में हम लोग वहां मौके पर गए थे। ईदगाह के ऊपर पहाड़ी पर बनी पानी की टंकी के पीछे जो स्लॉटर है, वहां पर सूचना मिली थी कि 5-6 अज्ञात बदमाश में कोई वारदात करने की नीयत से वहां पर बैठे हैं। तो उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके निर्देशन में टीम बनाकर जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर हमें ये 4 लोग पकड़ा है, बाकी जो 2 लोग थे वो अंधेरे का लाभ लेकर के भाग गए। बीसीएन न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। किसान बिल को लेकर टीकमगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मानस मंच पर पहुंचे, जहां एक आम सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति के नाम टीकमगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 11 नीतियों को किसान विरोधी बताया गया। बीसीएन न्यूज के लिए जनपद टीकमगढ़ से विकास सिंह राय की रिपोर्ट। जिला किसान कांग्रेस अनूपपुर के द्वारा विशाल प्रदर्शन एवं चक्का जाम का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि जिला किसान कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर राज तिवारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के द्वारा किसान विरोधी 3 काले कानून का विरोध करते हुए आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदीलाल सिंह मार्को के साथ सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। किसान विरोधी काले कानून के विरोध में हल्ला बोल करते हुए कई ट्रैक्टर के साथ जिला मुख्यालय में निकाली रैली के बाद चर्चाई मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया गया। इसके साथ ही एसडीएम अनूपपुर को ज्ञापन सौंपते हुए हल्ला बोल रैली का समापन कर दिया गया। केंद्र सरकार के वे 3 कानून को हम विरोध कर रहे हैं, जिसमें
इस देश में जो सहकारी व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है, मंडी व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है, MSP को जो पूरे देश में जो लागू है उसको प्रभावित करने का केंद्र सरकार जो प्रयास का 3 काले कानून बनाए हैं उसके विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर जिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस और कांग्रेस तमाम मोर्चा संगठन के साथ गांव-गांव से आए हमारे किसान भाई उन कानूनों का हम विरोध करते हैं जिसमें किसानों का अनहित हो रहा है, जिससे नुकसान होगा। BCN न्यूज के लिए अनूपपुर जिले से भूपेंद्र पटेल की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।